आज हम पढ़ने वाले हैं सदन ब्लॉटिंग। सदन ब्लॉटिंग क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि हम हमारी सेल में से डीएनए को डिटेक्ट कर पाए। ओके, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, सेल में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए। अब डीएनए को क्या करना है? यहाँ से आइसोलेट करना है। डीएनए आइसोलेशन, ठीक है। उसके बाद डीएनए को कटर की हेल्प से, अपने नॉर्मल कटर से नहीं, रेस्ट्रिक्शन कटर्स होते हैं, उनसे कट किया जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से फ्रेगमेंट्स में हो जाएंगे। अब इन फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे? हम जेल पर रन कर देंगे। बताया था मैंने जेल आपको, एगारोस जेल, ठीक है। इस पे हमें डीएनए के बैंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये डीएनए के जो बैंड्स मिले हैं, उस जेल को हम लेंगे और हम कहाँ ले जाएंगे? हमारे ब्लॉटिंग अपरेटस पे। याद करो मैंने बताया था, ये अपरेटस होता है बफर, फिल्टर पेपर, देन फिर यहाँ पे हम हमारा जेल रख देंगे। यहाँ पे हम हमारा जेल रख देंगे विथ डीएनए बैंड्स, विथ डीएनए बैंड्स। अब इसके ऊपर हम रख देंगे हमारी एक मेम्ब्रेन सेलुलोज की। यहाँ पे ये मेम्ब्रेन हम कोई सी भी ले सकते हैं, हम नायलॉन की भी ले सकते हैं, ओके, हम नाइट्रो सेलुलोज की भी ले सकते हैं, नाइट्रो सेलुलोज की मेम्ब्रेन ले सकते हैं, ठीक है। अब ब्लॉटिंग के प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे? हम तीन तरह की ब्लॉटिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे थे। एक तो थी, पहली थी इलेक्ट्रोड वाली, कि भाई अगर इलेक्ट्रोड ब्लॉटिंग करनी होगी तो ये किस तरह से मूव करेगा। इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उसके बाद में हमें यहाँ पे बैंड्स मिल जाते थे, ठीक है। ये इस कलर से बना देती हूँ, इस तरह से हमें बैंड्स मिल जाते थे। और अगर हमें परफॉर्म करनी थी कैपिलरी वाली ब्लॉटिंग तो भी कर सकते थे हम, वेट, हैवी वेट रखते थे। वैक्यूम ब्लॉटिंग भी हमने करके देखी है, ठीक है। इन तीनों में से कोई सी भी ब्लॉटिंग परफॉर्म कर सकते हैं और हमें हमारी नायलॉन मेम्ब्रेन पर बैंड मिल जाएगा। हमें हमारी ये जो नायलॉन मेम्ब्रेन है, इस पर हमको बैंड मिल जाएगा, ठीक है। ये बैंड अभी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारा डीएनए। इसे हीट देके हमें सिंगल स्टैंडर्ड करना है, मतलब अभी जैसे ये मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड में है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसे हम हीट या फिर टेम्परेचर, अब दोनों सेम ही है, इनको देके हम डीएनए को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये हो गया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी? इसके बाद होगी, हम लाएंगे चमकते धमकते रेडियो लेबल्ड प्रोब, रेडियो लेबल्ड प्रोब। अब ये प्रोब क्या है? प्रोब है 17 टू 18 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस होते हैं। ये क्या करते हैं? डीएनए से बाइंड करते हैं। दीज आर प्रोब, ओके। ये रेडियो लेबल्ड होते हैं, मतलब इनमें इनका फ्लोरोसेंस होता है, चमकते हैं ये, ठीक है। तभी तो ये जब हम डिटेक्ट करेंगे हमारे डिज़ायर सैंपल को, डिज़ायर डीएनए को, ये वहाँ पे अपना फ्लोरोसेंस शो करेगा, तभी तो हमें विजुअलाइज हो जाएगा कि हाँ यही है वो हमारा डिज़ायर डीएनए जो हम सर्च कर रहे थे इतने सारे डीएनए एक्सट्रैक्ट में से, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस डीएनए प्रोब को बाइंड करवा देंगे नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन पर। तो अब क्या खास बात होगी? ये जो डीएनए प्रोब है, ये वहीं जाके बाइंड होगा जिसके लिए मैंने इसे स्पेसिफिकली बनाया होगा। मैंने ये प्रॉप किस लिए बनाया होगा? किसी डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए बनाया है, या किसी फॉरेंसिक लैब के लिए बनाया है, कुछ डायग्नोस करने के लिए बनाया है, या फिर फाइलोजेनी के लिए बनाया है,
ठीक है, तो ये प्रॉब वहीं जाके बाइंड होगा जो इसका डिज़ायर डीएनए है, जिसके लिए भी मैंने इसको डिज़ाइन किया है कि भाई मुझे ये डिज़ीज़ के बारे में जानना है कि ये क्रोमोसोमल डिज़ीज़ है, मुझे जानना है कि वो किस डीएनए पर है। तो ये प्रॉब वहीं जाके अटैच होगा, ये देखिए, और ये यहाँ जाके फ्लोरोसेंस शो करेगा, ठीक है। जैसे ही ये बाइंड करता है, हम इसे एक्सरे रेडियोग्राफी पे ले जाते हैं, यहाँ से ये और अच्छे से विजुअल हो जाएगा। बट इससे पहले हम वॉशिंग कर लेंगे ताकि बाकी जो ये जो बैंड्स हैं वो रिमूव हो जाए, सिर्फ यही बचे। एंड जो भी मुझे जानकारी चाहिए वो मैं इसके थ्रू निकाल लूँगी। तो इसलिए हम करते हैं सदन ब्लॉटिंग। तो ये था ओवरऑल सदन ब्लॉटिंग के बारे में। सबसे पहले डीएनए का एक्सट्रैक्ट निकाला, ये सेल थी, सेल से हमने निकाला डीएनए, डीएनए को कटर्स के थ्रू या तो 4 कटर या फिर 6 कटर इसके थ्रू कट किया, ठीक है। इसको फिर हमने जेल पे रन किया, फिर हमें कुछ बैंड्स मिले। बैंड्स मिलने के बाद हमने ब्लॉटिंग की प्रोसेस स्टार्ट की। ब्लॉटिंग 3 तरीके की कर सकते हैं हम, या तो इलेक्ट्रोड वाली, या कैपिलरी वाली, या फिर वैक्यूम वाली। इसके बाद हमें हमारे मेम्ब्रेन पर बैंड्स मिल गए, ठीक है। ये बैंड्स थे डबल स्टैंडर्ड थे, हमें इन्हें सिंगल स्टैंडर्ड करना था, क्योंकि अगर डबल स्टैंडर्ड ही रखते तो हम प्रॉप कहाँ बाइंड करवाते। तो हमने इसे हीट देके सिंगल स्ट्रैंड किया, ठीक है। इसके बाद में हमने हमारे रेडियो लेबल्ड प्रॉप डिज़ाइन किए और प्रॉप को अटैच करवाया हमारे नेसेसरी डीएनए सीक्वेंस पे, और ये डीएनए सीक्वेंस पे जो प्रॉप है वो वहीं अटैच होगा जो इसका डिज़ायर होगा। अब ये डिज़ाइन था, ये डीएनए था, और ये इसका प्रॉप था। हमें हमारा फ्लोरोसेंस के साथ सैंपल मिल गया। आफ्टर वॉशिंग हमने इसे एक्सरे रेडियोग्राफी पे देख लिया और इससे फर्दर हम रिसर्च कर लेंगे। ओके, तो ये थी सदन ब्लॉटिंग। थैंक यू।